और ये जवाब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है और उसके साथ साथ जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही सेम है कि एड्रेस चेंज कराने का बहुत आसान तरीका है जो CMS पोर्टल में हमने एक्सेस दी हुई है तमाम स्टूडेंट्स को। CMS पोर्टल में एक उनका जो टाइल है स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट जी, वहाँ से अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे और अपना पुराना एड्रेस लिखने की खास जरूरत नहीं है, उसमें जस्ट मेंशन करें कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है और मेरा नया एड्रेस ये है और उसमें रीज़न ज़रूर मेंशन करें क्योंकि लोकल स्टूडेंट्स के लिए एड्रेस चेंज करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना रीज़न ज़रूर, खास तौर पर ट्रांसफ़र हुआ है या कहीं शिफ्ट हुए हैं तो वो मेंशन करें। तो आज अब एक बात ज़रूर याद रखें कि ये जो एड्रेस चेंज है ये पहली असाइनमेंट्स की ड्यू डेट से पहले पहले चेंज हो सकता है, उसके बाद चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके बाद फिर सारी एक्टिविटीज़ इनके एग्जाम सेंटर्स और फिर उसी के एड्रेस के बेस के ऊपर बनाए जाते हैं, लिहाजा ये ज़रूरी है कि इनका एड्रेस जो है वो पहली असाइनमेंट से पहले पहले इसको ठीक करवा लें। स्टूडेंट्स का दाखिला हो गया जी और उनके दाखिले की कन्फर्मेशन के लिए उनको मैसेज आ गया और इस बार जैसे हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में कि इस बार हमने स्टूडेंट्स को ईमेल्स भी साथ की हैं जो हमारे नए सिस्टम में ऑनलाइन स्टूडेंट्स एडमिशन्स ले रहे हैं और इवन मैनुअल फॉर्म में भी वो अपना ईमेल एड्रेस अगर लिख रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका ईमेल एड्रेस के ऊपर भी कम्युनिकेट करें क्योंकि वो एक अगर ईमेल एड्रेस ठीक लिखा हुआ है तो एक वाहिद जरिया है जिसमें स्टूडेंट्स का जो मैसेज है वो कहीं मिसप्लेस नहीं होता क्योंकि SMS में शिकायत मौजूद है नहीं मिलता कि कई बार वैसे उनका जो सेल नंबर है वो पोर्टेड है वो उनको मैसेज नहीं मिला जी। तो स्टूडेंट्स कई इस वजह से बेखबर भी रह जाते हैं कि उनका एडमिशन कंफर्म हुआ नहीं हुआ, यहाँ से तो मैसेज चला जाता है लेकिन वो उनको डिलीवर नहीं होता तो इस वजह से। लेकिन उस हवाले से फिर वही बात होगी कि अगर उन्होंने हमारा एकेडमिक कैलेंडर देखा हुआ है और उसको उनको पता है कि जी ये डेट्स हैं इन डेट्स में हमारे एडमिशन मुकम्मल होने हैं तो फलां डेट से हमारा स्टडी पीरियड शुरू होना है, तो अगर स्टडी पीरियड शुरू होने की डेट उनको पता होगी तो वो फौरन फिक्रमंद होंगे कि जी ये तुम्हारा स्टडी पीरियड का टाइम शुरू हो गया लेकिन मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं आया मेरा एडमिशन कन्फर्म हुआ या नहीं, फिर वो भागेंगे उसमें देखेंगे रब्ता करेंगे। हमारी हेल्पलाइंस है हेल्प डेस्क है, वो हमने बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं कि किस तरीके से आप ओपन यूनिवर्सिटी से रब्ता करके अपनी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेना हो आप ले सकते हैं जी। तो हम शुरू करते हैं मैट्रिक और FA के साथ बिल्कुल, उनका चूंकि अब एक महीना गुजर भी चुका तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नए आए उनके लिए खास तौर पर ये इंफॉर्मेशन आज की यूजफुल होगी कि जब हमारा एडमिशन पीरियड होता है उसका हम पूरा एक कैलेंडर बना हुआ है हमारी एकेडमिक कैलेंडर वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, ठीक है आप उसको जरूर देखें और उसकी डेट्स को जहन नशीन करें या वो हैंडी है कभी भी आप मोबाइल फोन उठाते हैं हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमने सामने अब उसको रख दिया एकेडमिक कैलेंडर, उसको खोलें कि जी ये अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर एक्टिविटीज कौन कौन सी डेट्स को हो रही है तो उसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो एडमिशन की ही है कि एडमिशंस कब क्लोज हो रहे हैं कब स्टार्ट हो रहे हैं कब क्लोज हो रहे हैं पूरा स्केड्यूल है जी। तो वो आप जो अब नए एप्लीकेंट इस बार आए हमारे खजान 2022 में फेज वन के जो आए थे वो उनका पहले एडमिशन हुआ और फिर उसके फेज टू के थे तो 15 जुलाई से उनका फेज वन का एडमिशन शुरू हुआ था और 1 अगस्त से फेज टू का शुरू हुआ था। दाखिले के बाद उन्होंने क्या क्या करना है और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जी, तो कैलेंडर के मुताबिक पहला जो स्टेप था एडमिशन का वो मुकम्मल हुआ, दूसरा स्टेप था उनका मेलिंग का बुक्स की, वो हमारे यहाँ से किताबें जो मैट्रिक और FA की हैं वो कम्प्लीटली जा चुकी हैं, ठीक है और उनका स्टडी पीरियड भी चूंकि 1 नवंबर से शुरू हुआ था और 1 दिसंबर और ये दिसंबर का पहला हफ्ता गुजर चुका उनकी पहली असाइनमेंट्स उन्होंने जमा करवानी थी तो जो ही उनको किताबें मिलती हैं उन किताबों के मिलने से पहले हमारा एक मैसेज भी मिल जाता है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, ये आपकी बुक्स हैं जिनमें आपका एडमिशन हुआ है सही, और फ्रेश एप्लीकेंट्स को भी ये जाता है और कॉन्टिन्यू स्टूडेंट्स को भी जाता है, ठीक है इन दोनों स्टूडेंट्स को जब वो स्टूडेंट एप्लीकेंट हैं उसका एडमिशन हो गया तो वो भी हमारा स्टूडेंट बन गया बिल्कुल, एडमिशन जब तक नहीं होता हम उसको एप्लीकेंट कहेंगे, एडमिशन हो गया तो वो स्टूडेंट बन गया, ठीक है फ्रेश स्टूडेंट है या कंटिन्यू स्टूडेंट है दोनों को एक चीज का तो ख्याल रखना है कि वो ये जरूर नोट कर लें कि जो जिन मैसेज आया है उसमें जो कोर्सेज मैंशनड हैं कि जो आपका फलां फलां कोर्स में दाखिला हुआ है तो क्या ये वही कोर्स हैं जिसमें मैंने
अप्लाई किया था, जी जिन मैंने रजिस्टर किया था मुझे यही सेमेस्टर में चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये कोर्स वो गलती से आ गया हो जो मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, ये अक्सर क्योंकि शिकायत आ रही होती है, कंटिन्यू स्टूडेंट खासतौर पर यह गलती करते हैं कि उन्होंने रजिस्टर करते वक्त वो कोर्स दोबारा ले लिया जो उन्होंने पहले से पास किया। सही, सही। आने वाले सेमेस्टर में ये शिकायत दूर हो जाएगी क्योंकि सिस्टम खुद उनको रोक लेगा, वो कोर्स उनको लेने ही नहीं देगा जो उन्होंने पहले से पास किया हुआ है। लेकिन चूंकि बहुत सारा डाटा जो है हमारा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पुराने सिस्टम से एक नए डिजिटल सिस्टम में आए हैं, तो वो सिस्टम उनको नहीं पहचान पा रहा कि इन्होंने ये कोर्स पहले पास किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो इंशाल्लाह आने वाले सेमेस्टर में जब मसला हल हो जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन करेंटली इन स्टूडेंट्स को पहले सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि जो किताबें उन्होंने जिन कोर्सेज में दाखिला लिया था क्या वो उन्हें ही उनका एडमिशन हुआ है या कोई डिफरेंट है। अगर गलत हुआ है तो फौरी तौर पे वो शोभा दाखिला को इन्फॉर्म करें कि मेरा ये कोर्स मैंने नहीं लेना था, गलती से लिया है, इसको चेंज कर दें। ठीक है, लेकिन हम चूंकि ये प्रोग्राम बहुत देर से कर रहे हैं और ये चेंज करने वाला जो ऑप्शन है वो भी इस वक्त तक खत्म हो चुका है, तो एनी हाउ आने वाले सेमेस्टर में इस चीज़ का वो ख्याल रखेंगे। अब हम बात आए हैं कि ये किताबें जो मैट्रिक एफ ए की स्टूडेंट्स को मिल चुकी हैं और उसके साथ उस किताबचे के अंदर दो तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, और ये किताबें हमारी जो सेकंड फेज की थी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो बी होता था उसकी भी अब मेलिंग शुरू हो चुकी हुई है, गो कि अब थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उनकी जो स्टडी पीरियड ये आज से शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से, और कोई 20-25,000 स्टूडेंट्स को तो जा चुकी हैं किताबें, बाकी भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि दिसंबर के अंदर हम सारी किताबें भिजवा दें। सही। इनकी जो पहली असाइनमेंट की ड्यू डेट है वो 15 जनवरी को है। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि कम से कम उस डेट से पहले पहले इनको किताबें मिल जाएं। तो उस किताबों के अंदर हो पैकेट के अंदर होगा क्या, एक तो बुक्स होंगी जिसमें इन्होंने एडमिशन लिया, दूसरा उन बुक्स का एक उसके साथ एक असाइनमेंट का क्वेश्चनेयर होगा। बिल्कुल होता है कि उन्होंने उस क्वेश्चनेयर को हल करना है, ओपन बुक्स एग्जाम समझिए उसको, वो असाइनमेंट्स हैं जो उन्होंने लिखनी है उस किताबों को पढ़कर, असाइनमेंटें बनानी है। जी, और उसके साथ साथ उनके सा एक असाइनमेंट्स का शेड्यूल भी मौजूद है कि उन्होंने फलां फलां डेट को असाइनमेंट्स जमा करवानी है। तो ये जो ही किताबें मिलती हैं वो उनको पढ़ना शुरू करें, असाइनमेंट्स को बनाना शुरू करें, मैट्रिक कैफे और जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनको ये किताबें जो हैं हार्ड फॉर्म में मिलती हैं, और जो हमारे बाकी प्रोग्राम्स हैं बीएड है बीएस है और मास्टर डिग्री लेवल प्रोग्राम्स हैं उनको सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड करना पड़ती है, और ये भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो गई हुई है, वहाँ से आपका अपने कोर्स जिनमें रजिस्ट्रेशन हुई भी है आपकी एनरोल हुए हैं उसको डाउनलोड कर लें, उनको पढ़ना शुरू कर दें, और उसको साथ साथ आप जो बाकी प्रोग्राम्स जो मैंने मेंशन किए जिनकी किताबें ऑनलाइन होंगी उन लोगों ने भी असाइनमेंट्स बनानी है, उनका असाइनमेंट्स का क्वेश्चन पेपर चूंकि बाय हार्ड कॉपी नहीं जा रही तो वो सॉफ्ट फॉर्म में वेबसाइट पे मौजूद है। ठीक है, ठीक है, वो वहां से डाउनलोड कर लें। तो ये दोनों चीजें, बुक्स भी उन्होंने डाउनलोड करनी है, उसका क्वेश्चनर भी डाउनलोड करना है, तो उन्होंने भी असाइनमेंट्स बना के शेड्यूल भी वहां पे उन पे मौजूद है कि कौन सी डेट को उन्होंने जमा कराना है, तो ये तकरीबन 15 जनवरी ही है पोस्ट ग्रेजुएट का भी। तो ये असाइनमेंट जो पहला कंपोनेंट है वो सबसे पहला काम तो यही बहुत है। आसान हल है क्योंकि सर ने आपको बताया कि जाहिर है कि असाइनमेंट्स के हवाले से आप सब बड़े परेशान हो जाते हैं, और कितने आसानी के साथ आप अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं, किताबें यूनिवर्सिटी की तरफ से चली जाती हैं, क्वेश्चनर भी जो साथ होता है, और आपने बनाकर मुतालिका जो शेड्यूल जो दिया होता है उसके मुताबिक अपने टाइम वाइज और डेट वाइज आपने असाइनमेंट वो भेज देनी, और बहुत आसानी के साथ टीचर्स को मिल भी जाती है। अब ये जो भेजने वाला सवाल है कि किसको भेजनी है, जी बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। अब ये स्टूडेंट्स का अगला क्वेश्चन यही है कि जी असाइनमेंट्स किताबें भी आ गई, उसका क्वेश्चनेयर भी आ गया, हमने असाइनमेंट बना भी ली, ड्यू डेट भी हमें पता है कि जी 15 जनवरी है या 5 दिसंबर थी जो गुजर चुकी, ट्यूटर का लेटर हमें कहाँ से, ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे टीचर्स कौन हैं जिन्होंने ये चेक करनी है और उनको हम ये असाइनमेंट्स भिजवाएं। अब जो मैट्रिक एफए और एसोसिएट डिग्री बीए प्रोग्राम्स हैं जी, इनकी मैनुअल तरीके से वो असाइनमेंट्स अपने हाथ से लिखते हैं और डाक के जरिए पोस्ट करते हैं। ठीक है, बीएड बीएस और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स ये असाइनमेंट्स हाथ से नहीं लिखते, इन्होंने सॉफ्ट फॉर्म में वर्ड में या पीडीएफ फॉर्मेट में बनानी है, और उनको फिर एक्सेस मिल जाएगी एलएमएस की। ठीक है, जो अलहदा से एक हमारा सिस्टम है, सिस्टम है जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में उन्होंने असाइनमेंट्स को अपलोड करना है।
ठीक है, तो वो जो ही उनका एडमिशन कंफर्म होता है, उनके ट्यूटर कंफर्म होते हैं, तो साथ ही उनको एक मैसेज आ जाता है अलहदा से, उसका यूजर आईडी पासवर्ड उनको अलहदा से एसएमएस में मिलता है। ठीक है, तो अगर उनको यूजर आईडी और पासवर्ड उसमें नहीं मिलता तो वो फिर हेल्प डेस्क पे फौरी तौर पे अपनी रिक्वेस्ट भेजें कि मेरा एडमिशन तो कन्फर्म हो गया था, असाइनमेंट की ड्यू डेट भी आ चुकी है, लेकिन मैंने अभी तक असाइनमेंट कहाँ कैसे जमा करवानी है, एलएमएस का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो एलएमएस के लॉगिन क्रेडेंशियल्स मुझे दे दिए जाएं। एलएमएस का जो लिंक है वो हमारी मेन वेबसाइट के ऊपर आप होम पेज पे ही शुरू में मौजूद है, वहाँ पे आप उस पेज पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, वो एसएमएस के जरिए आएगा, अगर नहीं आया था तो आप उसको हेल्प डेस्क के जरिए हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जो मैट्रिक एफ ए बी ए जिनकी किताबें गई, जिन्होंने हार्ड फॉर्म में किताब असाइनमेंट लिख के डाक के जरिए अगर भेजनी है अपने टीचर्स को, तो कौन से टीचर्स हैं, उनकी टीचर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, ये इम्पोर्टेंट है। जो भी हमने मैसेज भेजे स्टूडेंट्स को उसमें हमने उनको एक लिंक भेजा है सीएमएस का, ठीक है, कैंपस मैनेजमेंट सॉल्यूशन या सिस्टम जो भी आप कह लें। अब इसमें चीज स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि सीएमएस क्या है और एलएमएस क्या है, इसको बिल्कुल जहन नशीन कर लें। सीएमएस इज कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं वो वहां पे हो रही होंगी, जैसे आपने कैंपस की तरह से जो भी मैनेजमेंट हाँ, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करने का एक तरीका है, उसमें क्या क्या होगा जी, उसमें आपके कोर्स की रजिस्ट्रेशन है, उसमें आपके रिजल्ट्स हैं, उसके आप रोल नंबर स्लिप्स वहां पे आ रही होगी, फिर आपके ट्यूटर्स की इन्फॉर्मेशन वहां पे आ रही होगी, फिर जैसे मैंने बात की थी कि आपके आपने सर्विस रिक्वेस्ट भेजनी है, ड्रेस चेंज कराना है, कोर्स चेंज कराना है, वो लिंक वहां पे मौजूद है, फिर आपके फाइनेंशियल्स की इन्फॉर्मेशन वहां पे मौजूद है, आपने कोई फीस जमा कराई है या कोई अभी आपकी बकाया रह गई हुई है वो वहां पे मौजूद है, तो आप वो सीएमएस पोर्टल हर स्टूडेंट का अपना अपना बना हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका लिंक, उसका लॉगिन, उसका पासवर्ड, ये हम एसएमएस में तमाम स्टूडेंट्स को जिनका एडमिशन कंफर्म होता है, एनरोलमेंट कंफर्म होती है, उन सबको भेज रहे होते हैं। अगर आपको वो एसएमएस नहीं मिला तो आप उसका लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन बेसिकली स्टूडेंट का जो आईडी है वही उसका लॉगिन है, ठीक है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट्स हमारे चले आ रहे हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो उनका स्टूडेंट आईडी है, वो उनका लॉगिन है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो ऑटम 2021 से बाद हमारे से दाखिला ले रहे थे, उनका जो स्टूडेंट आईडी है एक नंबर 10 डिजिट्स का नंबर है जी, जो उसका स्टूडेंट आईडी कहलाता है और वही उनका सीएमएस का लॉगिन भी है, ठीक है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अल्फा न्यूमेरिक है, 19FID समथिंग चौथे डिजिट्स होंगे, तो वो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, पहले उनके पास दो नंबर हुआ करते थे पुराने स्टूडेंट्स के पास, रोल नंबर भी होता था, रजिस्ट्रेशन भी होता था, अब रोल नंबर को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, अब हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर यूज कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर को भी हमने रीनेम कर दिया, अब हम उसको कह रहे हैं स्टूडेंट आईडी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और तो, इसी तरह से अगर आप देखें तो एग्जाम देते हुए लोगों को, स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई रोल नंबर कहाँ है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका आईडी भी और वो स्टूडेंट नंबर भी, अब रोल नंबर खत्म जी, स्टूडेंट आईडी है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो सिर्फ 10 नंबर का एक डिजिट स्टूडेंट आईडी मिल रहा है, और जो पुराने स्टूडेंट्स आ रहे थे उनका रोल नंबर खत्म हो गया, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो एज ए स्टूडेंट आईडी यूज होगा, और यही स्टूडेंट आईडी सीएमएस का लॉगिन भी है, बिल्कुल ठीक है। और वो सीएमएस में जब लॉगिन करेंगे तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये जरूर ख्याल रखें कि लॉगिन करते हुए उसमें जो अल्फाबेट्स हैं उसको कैपिटल रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। अक्सर वो शिकायत आ रही होती है कि जी हमारा वो खुल नहीं रहा सीएमएस, उसमें एक जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि यूजर आईडी आपने जो उसमें अल्फाबेट्स हैं उसको कैपिटल में रखना है, और पासवर्ड जो भी आपको मिला है वो अगर कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल, उसी तरह आप यूज करें। और जो ही आप सीएमएस पोर्टल में लॉगिन करते हैं, अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सीएमएस पोर्टल की, आपको उसका यूजर आईडी पासवर्ड या नहीं मिला, एसएमएस आपको नहीं आया, तो उससे आसान तरीन तरीका है कि आप हमारे हेल्प डेस्क से वो इन्फॉर्मेशन ले लें, मदद ले सकते, ठीक है। और हेल्प डेस्क हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, वहां पे लॉगिन करें, अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, दूसरे दिन आपको उसका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास आ जाए। हमने बात छोड़ी थी सीएमएस के ऊपर कि जो मैट्रिक एफए और बीए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अब असाइनमेंट्स बना ली हुई हैं और ट्यूटर्स को भेजनी है, अब ट्यूटर का एड्रेस लेने के लिए उनको सीएमएस पोर्टल खोलना है जी। और सीएमएस पोर्टल खोलने के लिए उनको यूजर आईडी पासवर्ड अगर एसएमएस में मिल गया है तो अच्छी बात, वरना वो हेल्प डेस्क से अपना यूजर आईडी पासवर्ड हासिल कर लें। और जैसे हम बात कर चुके हैं यूजर आईडी उनका अपना स्टूडेंट आईडी है,
और हेल्प डेस्क के साथ साथ वैसे हमारी हेल्पलाइन भी है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉलर की तादाद ज़्यादा होती है, उनको थोड़ा सा वहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद है, एजेंट्स जो हमारे ऑफिसर्स के दौरान हैं, वो जो नंबर हमारा बार बार हम रिपीट करते रहते हैं 051-111-112-468 तो इस नंबर पे वो कॉल करके भी हमारे एजेंट से अपने ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो जब उनके पास CMS के लॉगिन मौजूद है तो अपने CMS पोर्टल को खोलें, ठीक है, और वहाँ पे एक टाइल हमने अलहदा से बनवा दी जिसका नाम है माई ट्यूटर्स, ठीक है, ठीक है। उस पर जो ही वो क्लिक करेंगे तो उनको जिन जिन कोर्सेज की एनरोलमेंट करंट सेमेस्टर में है उसके लिए जो भी ट्यूटर्स मुकरर किए गए हैं वो इन्फॉर्मेशन वहां पे आ रही होगी, ठीक है, ट्यूटर का नाम, ट्यूटर का कोर्स कोड जिनके लिए वो मुकरर किए गए हैं, उसके बाद ट्यूटर का एड्रेस है जिसके ऊपर उन्होंने असाइनमेंट्स डाक के जरिए भेजनी है, और फिर ट्यूटर का फोन नंबर भी मौजूद है, क्योंकि अब रेगुलर क्लासेस इनकी है नहीं, डिस्टेंस लर्निंग पे हैं, तो हम स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करते होते हैं कि अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है असाइनमेंट्स बनाते हुए, कोई आपने गाइडेंस लेनी है, तो आप स्टूडेंट टीचर्स को एक मैसेज करके या उनको पूछ लें कि जब वो इजी हों तो उनको कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद असाइनमेंट्स अपनी मुकम्मल करें, और असाइनमेंट्स को आपने डाक के जरिए भेजना है, और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि वो आपने रजिस्ट्री करानी है, ठीक है, और रजिस्ट्री की रसीद अपने पास संभाल के रखनी है ताकि खुदा ना खास्ता अगर वो टीचर को नहीं मिलती है तो बाद में आपके पास सबूत मौजूद होगा, सबूत हो कि आपने असाइनमेंट भेजी हुई है, और अगर रिजल्ट में कहीं वो उसके नंबर शामिल नहीं भी होते तो हमारे पास सिस्टम मौजूद है, आप अपने रीजनल ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं कि ये रिजल्ट आया, मेरे असाइनमेंट्स के नंबर नहीं लगे हुए तो, लेकिन मैंने भेजी हुई थी, आप उनको रसीद प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको इजाजत दे देंगे कि आप दोबारा असाइनमेंट्स लेके जमा करवा दें, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये मैट्रिक FA और एसोसिएट डिग्री BA ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने असाइनमेंट्स हाथ से लिख के बाय पोस्ट जो कोरियर से भी भेज सकते हैं और पाकिस्तान पोस्ट से भी भेज सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री पाकिस्तान पोस्ट से भेजेंगे तो रजिस्ट्री करवाएंगे, ठीक है। और ये असाइनमेंट के डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, अब अगर 3 credit hours कोर्स है तो उसकी 2 असाइनमेंट्स होंगी, अगर 6 credit hours कोर्स है तो उसकी 4 असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है। तो कभी कभी ये हो जाता है कि आपको किताबें देर से मिली या ट्यूटर इन्फॉर्मेशन देर से मिली या एडमिशन कंफर्म देर से हुआ और पहले असाइनमेंट की डेट गुजर चुकी थी, तो इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, आप दूसरी असाइनमेंट्स के साथ पहली असाइनमेंट्स भिजवा सकते हैं, तो उसमें कहीं परेशानी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी अगर कोई डिले हो गया हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप पहली असाइनमेंट और दूसरी असाइनमेंट इकट्ठी बनाए और अपने ट्यूटर्स को बाय पोस्ट भिजवा, लेकिन हतल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि मुकर्रर वक्त अगर आपकी सारी चीजें बिल्कुल टाइम पे आ गई हुई हैं तो आप उनको, लेकिन ये उस सूरत में एक्सेप्शनल केस मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट परेशान ना हो कि हमारे पास किताबें लेट आई थी तो अब हमारा फर्स्ट असाइनमेंट का बहुत टाइम कम रह गया हुआ है, एक हफ्ते में हम कैसे 6 किताबों की असाइनमेंट्स तैयार करेंगे, तो आप सेकंड असाइनमेंट्स के साथ उसको भिजवा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात तो हो गई मैट्रिक FA और एसोसिएट डिग्री BA प्रोग्राम्स की जिन्होंने मैनुअली असाइनमेंट्स हाथ से लिख के बाय पोस्ट भेजनी थी और ये काम उन्होंने सिर्फ CMS के अंदर करना था, ठीक है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिनको सॉफ्ट किताबें मिली जिन्होंने डाउनलोड की अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चनेयर भी उन्होंने डाउनलोड किए असाइनमेंट्स का शेड्यूल भी उन्होंने डाउनलोड किया, अब उनको ट्यूटर के एड्रेस की खास जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ट्यूटर को नहीं भेज दी असाइनमेंट ना ही ट्यूटर को ईमेल करनी है, उनको जरूरत है LMS की, ठीक है। ये फिर वजाहत करता चलूं CMS और LMS दो मुख्तलिफ चीजें हैं, मैट्रिक FA और BA AD के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ CMS से वास्ता पड़ेगा, ठीक है, उनको LMS की जरूरत नहीं है, वो LMS का नाम सुन के परेशान ना हो कि जी हमारा LMS का वो पासवर्ड नहीं आया, यहाँ LMS में क्या करना है, क्लैरिफाई कर लें। मैट्रिक FA एसोसिएट डिग्री BA प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स जिनको मैनुअली किताबें आती हैं जिन्होंने मैनुअली असाइनमेंट्स हल करके बाय डाक स्टूडेंट्स ट्यूटर्स को भेजनी है उनका काम सिर्फ और सिर्फ CMS में है क्योंकि CMS के अंदर ही उनके ट्यूटर के एड्रेस मौजूद है और बाकी एक्टिविटीज मौजूद है, LMS से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है ये फंस जाएं कि आस्ते आस्ते जब उनको डिजिटलाइजेशन हो, लेकिन हम फिल भी फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो दूर दराज के इलाकों में हैं जो अभी उतना एफिशिएंटली मैट्रिक के स्टूडेंट जो हैं एफिशिएंटली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते कि वो असाइनमेंट्स बनाएं कंप्यूटर में बनाएं और उसको अपलोड करें। एनी हाउ यहाँ पे बात हम खत्म करते हैं कि मैट्रिक FA BA सिर्फ CMS में ट्यूटर का एड्रेस लेके अपनी असाइनमेंट्स ट्यूटर्स को भिजवा देंगे, उनका यहाँ CMS का खत्म। LMS पे वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने असाइनमेंट्स अपनी सॉफ्ट फॉर्म में तैयार की हैं
अपनी किताबें डाउनलोड की थी, क्वेश्चन एयर भी डाउनलोड किया था, अब उनको शेड्यूल के मुताबिक ये किताब अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी है और अपलोडिंग के लिए उनको LMS में जाना है। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेहतरीन सिस्टम हमने अपना बनाया हुआ है, आ गई लर्निंग के नाम से हमारा ये सिस्टम मौजूद है, इसका लिंक हमारी मेन वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ पे जाएं, इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको अलहदा से SMS में आएगा, तो इन स्टूडेंट्स को 2 SMS आएंगे। ठीक है, बल्कि SMS तो आते रहेंगे, पहला पहला इनको SMS आया कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। ठीक है, फिर उसको दूसरा आएगा कि जी आपका LMS में रजिस्टर हो गया हुए आप, और ये आपका LMS का यूजर आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, तो असाइनमेंट ड्यू डेट उन्होंने खुद जेहन में रखनी है, अब ये इंतजार नहीं करना कि जी हमें मैसेज नहीं आया था तो हमें डेट भूल गई और हम असाइनमेंट्स अपलोड नहीं कर सके, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। बार बार कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, ये अब हमारे सिस्टम में जो हम कैलेंडर की बार बार बात कर रहे हैं, एकेडमिक कैलेंडर, उसमें आप बिल्कुल वो उसको जेहन नशीन करें, फिर आपका असाइनमेंट का शेड्यूल आपको मिल गया, चाहे किताबों में मिला चाहे आपको LMS में उसमें जाके मिला, तो वो आपने जहन नशीन रखना है कि जी ये असाइनमेंट की ड्यू डेट है, इस ड्यू डेट तक मैंने अपने असाइनमेंट अपलोड करनी है। ठीक है, अच्छा, वो असाइनमेंट शेड्यूल आपने जो आप वेबसाइट से डाउनलोड किया था उस डेट तक अगर आपको LMS का पासवर्ड और यूजर आईडी नहीं मिलता तो आप फौरी तौर पर फिक्रमंद हों और उसको हासिल करें, और कैसे हासिल करें, फिर वही रेफर करेंगे आपको हेल्प डेस्क की तरफ या हेल्पलाइन की तरफ। ठीक है, बेस्ट इज द हेल्प डेस्क। ठीक है, कि वो वहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद है, आप एक दिन अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, नेक्स्ट डे आपको जवाब आपको मिल जाएगा। तो आपको ईमेल के जरिए से जो हेल्प डेस्क से जो वो ईमेल नहीं, स्टूडेंट्स ईमेल ना करें, स्टूडेंट सिर्फ सिर्फ हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क, क्योंकि हेल्प डेस्क जो है उस पर हमारा परमानेंट स्टाफ डेप्यूटेड है जो डेली बेसिस पे जितनी क्यूरीज आती हैं वो उसको मॉनिटर, और उसको हम बाकायदा मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम अपने स्टाफ को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जो स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई हुई हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं कि नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो हम उस मुतलका बंदे को पकड़ लेते हैं कि तुम्हारी क्यों हुई है, पेंडिंग है, इसको फौरन जवाब दो। ठीक है, तो इस वाले से ये बहुत एफिशिएंट सिस्टम है हमारा हेल्प डेस्क, तो स्टूडेंट जितने भी हैं अगर LMS की उनको इन्फॉर्मेशन नहीं आई यूजर आईडी पासवर्ड, तो फौरी तौर पर LMS की यूजर आईडी पासवर्ड लें और ड्यू डेट पर वहाँ पर अपनी असाइनमेंट अपलोड करें। बिल्कुल ठीक है, यहाँ मैं एक और बात कहूँगा कि यहाँ पर आप स्टूडेंट्स जो हमारे जो मैंने बात की थी कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप सेकंड असाइनमेंट के साथ पहली असाइनमेंट भेज सकते हैं, यहाँ जो जो डिजिटल सिस्टम है जो LMS में आ रहे हैं इनको जरा विजिलेंट रहना पड़ेगा, हो सकता है इनको वो फ्लेक्सिबिलिटी ना मिले। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल विजिलेंट हैं, इनके सारे काम हमारे प्रायोरिटी पे हो रहे हैं, चूंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो इनमें कहीं डिले नहीं आ रहा, मैं किताबें भेजने में या बाकी चीज़ों में कोई डिले नहीं है, किताबें ऑनलाइन इन्होंने डाउनलोड की, किताबें असाइनमेंट शेड्यूल इन्होंने डाउनलोड किया, असाइनमेंट्स बनाई, सिर्फ LMS का उनको यूजर आईडी पासवर्ड SMS में आना है, वो भी अगर नहीं मिला तो उनकी खुद जिम्मेदारी है कि वो हेल्प डेस्क से अपना टाइमली ले लें और फिर उस ड्यू डेट के ऊपर असाइनमेंट्स को अपलोड करें। असाइनमेंट अपलोड करने का तरीका, जो ही वो LMS खोलते हैं तो वहाँ पे एक पॉपअप खुलता है, उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, वीडियोज बना के रखी हुई है किस तरीके से आपने LMS के अंदर अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करनी है। बिल्कुल ठीक, तो ये एक कंपोनेंट बहुत जरूरी है, अब ये दोनों के लिए कॉमन है, मैट्रिक एफ ए बी ए जो मैनुअली कर रहे हैं और बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट के बी एड बी एस हैं, ये सारे लोग ने असाइनमेंट्स जमा करवानी है, ये कंपलसरी कंपोनेंट है, इसको हम कॉन्टीन्यूस असेसमेंट कहते हैं कि स्टूडेंट्स को किताबें गई, स्टूडेंट्स ने किताबें पढ़ी, सीखा, फिर असाइनमेंट्स को हल किया, फिर हमारे टीचर्स ने उन असाइनमेंट्स को चेक किया और उसको एवेल्युएट किया, ये कॉन्टीन्यूस असेसमेंट है, उनको असेस किया कि हमारे स्टूडेंट्स जो हमारी किताबें पढ़ रहे हैं तो क्या वो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर जो भी उन्होंने सीखा उसको उन्होंने लिख दिया असाइनमेंट्स की शक्ल में, तो फिर उनको वहाँ पे उनको मार्क्स भी मिल जाते हैं कि जी इन्होंने असाइनमेंट्स किस तरीके से अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे 3 credit hours की 2 assignments हैं और 6 credit hours की 4 assignments हैं, तो ये मैट्रिक एफ ए और बी ए एडी के तो इस तरह है, लेकिन जो हमारे बी एड बी एस और पी जी प्रोग्राम्स हैं इसमें सारे के सारे कोर्सेस 3 credit के हैं, इसमें कोई 6 credit, लिहाजा इन
पीजी प्रोग्राम, बीएड प्रोग्राम, बीएस प्रोग्राम, इन सब के जिनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज होनी है, एलएमएस में आनी है, इनको सिर्फ और सिर्फ दो असाइनमेंट ही जानी है, पहली असाइनमेंट और दूसरी असाइनमेंट। तो ये अपने शेड्यूल के मुताबिक जो डेट्स दी हुई हैं उसी के मुताबिक असाइनमेंट्स तैयार करते रहें और फिर एलएमएस में उसको अपलोड करते रहें और प्रॉपरली अपलोड करें। उसमें कई बार स्टूडेंट्स गलतियाँ कर जाते हैं, वो कहीं ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं, अपलोड नहीं करते, तो एंड में जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं जी मैंने तो असाइनमेंट्स अपलोड की थी, जब हम बाहर बैक एंड पे देखते हैं तो पता लगता है कि वो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, या जरूरी है उनके लिए कि वो उसको केयरफुली उस प्रोसीजर को पहले समझें। अगर नहीं समझ आ रही तो हमारा रीजनल ऑफिस मौजूद है, रीजनल ऑफिस में अगर आप विजिट कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में 54 रीजनल ऑफिसेज हैं, वहाँ पे एक एलएमएस का फोकल पर्सन मौजूद है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एलएमएस को डील कर रहा है। आप उसको मिलें, उससे सीखें कि असाइनमेंट्स किस तरह अपलोड, एक बार आपने सीखना है और उसके बाद आप खुद से आपको सीख जाएंगे और आइंदा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से असाइनमेंट्स वाला जो पोर्शन है ये कम्प्लीट होता है आपका, वो स्टडी पीरियड के दौरान जो भी असाइनमेंट्स का शेड्यूल है उसके अंदर आपने असाइनमेंट्स को मैट्रिक एफ ए बी ए डी ने पोस्ट करना है, ठीक है, बी एड बी एस और पी जी ने LMS में अपलोड करना है, ये असाइनमेंट्स का पोर्शन। बिल्कुल ठीक है, तो ये दोनों क्यूरीज है वो माशाल्लाह से बड़ी अच्छे तरीके के साथ जो रिजॉल्व हो गई होंगी और आपको साइंस पता चल गया होगा। जी सर आगे, ठीक है, अब आप यहाँ पे इसके अगला कंपोनेंट्स क्या है हमारे स्टडीज के। अगला कंपोनेंट है जो मैट्रिक एफ ए बी ए है, ए डी है, ए डी में बार बार कह रहा हूँ, ये एसोसिएट डिग्री, ठीक है, इनके लिए सिर्फ एक कंपोनेंट और है और वो है फाइनल एग्जाम, ठीक है, और फाइनल एग्जाम का शेड्यूल भी हमने अपने एकेडमिक कैलेंडर में दिया हुआ है। जो ही स्टडी पीरियड खत्म हो रहा होता है साथ ही एग्जाम का शेड्यूल शुरू हो जाता है जी, और असाइनमेंट जो जमा करवानी है वो उसी स्टडी पीरियड के अंदर ही होती है, ठीक है, तो असाइनमेंट्स को टाइमली जमा करवाएं और उसके बाद तैयारी आपकी हो जाती है। अगर आपने असाइनमेंट्स खुद लिखी हैं जी तो आपके असाइनमेंट्स जो हैं इम्तिहान की तैयारी खुद ब खुद हो जाती है। उस स्टडी पीरियड के दौरान आप किताबें पढ़ते रहे, असाइनमेंट्स लिखते रहे, तो जो ही हमारा स्टडी पीरियड खत्म हो रहा होता है तो साथ ही एग्जाम शुरू हो रहे होते हैं। तो एग्जाम्स के लिए आपको रोल नंबर स्लिप जारी की जाती हैं, बाय पोस्ट भेजी जाती हैं और उसके साथ साथ सीएमएस में रख दी जाती हैं, ठीक है, पोर्टल में रख दी जाती हैं। तो मैट्रिक एफए और कोर्सेज के लिए, तमाम कोर्सेज के जिनके लिए वो रजिस्टर्ड हैं, तो मैट्रिक एफए बीएएडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अगला स्टेप सिर्फ सिर्फ एग्जाम रह जाता है, ठीक है, तो वो उनके जो ही एग्जाम शेड्यूल शुरू होगा एग्जाम शेड्यूल की डेट अपने सामने रखें और उसके मुताबिक सीएमएस पोर्टल को चेक करें, वहां पे एग्जाम एंड उसकी जो भी एक शेड्यूल का एग्जैक्टली मुझे उसका टाइटल याद नहीं रहा, एग्जाम का एक टाइल है वहाँ पे, उस टाइल को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका एग्जाम शेड्यूल दिया हुआ होगा। एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाती है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आपका कौन सा कोर्स है, उसकी एक साइन पेपर कब होना है और उसका सेंटर कहाँ पे है, ठीक है, उसको बिल्कुल प्रिंट कर लें आप, ना भी करें तो अपने मोबाइल में महफूज रखें, वो भी आप जाके वहाँ सेंटर पे दिखा सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पेपर लेस जितना भी स्टूडेंट्स को हम अकोमोडेट कर सकें करें। सारी चीज़ें मौजूद हैं, सेंटर वाले के पास भी वो आपका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उसके लिए साथ एक कंपलसरी मौजूद है वो आईडी कार्ड है आपका, ठीक है, कि आपने वो लाजमी सेहत लेके जाना है। अगर आपका बे फॉर्म बना हुआ है तो उसकी कॉपी ले जाएं, लेकिन उसके साथ कोई भी आपकी आइडेंटिफिकेशन जो पिक्चर की है वो लाजमी हो। बिल्कुल ठीक है, तो वो आप जब असाइनमेंट्स जमा कराने के बाद अगला स्टेप जो है वो एग्जाम है। मैट्रिक एफ ए बी ए स्टूडेंट्स ने सिर्फ एग्जाम देना है, बाकी जो प्रोग्राम है पी जी बी एड और बी एस इन्होंने एग्जाम्स के साथ से पहले एक और एक्टिविटी जो कंपलसरी है वो इसी स्टडी पीरियड के दौरान होती है, दैट इज वर्कशॉप। अच्छा, ठीक है, उसको आप ऑनलाइन क्लासेस भी कह सकते हैं, आप उसको वर्कशॉप भी कह सकते हैं। वो क्या है, वो बेसिकली एक समझ लें कि एक लर्निंग का एक एडिशनल हम उनको एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं जो हमारे टीचर्स यहाँ पे ऑनलाइन ही उनको लेक्चर्स दे रहे होते हैं और उन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर अटेंड करने होते हैं, ठीक है। अब उस वर्कशॉप का शेड्यूल क्या होता है, कब होती हैं, कब होनी है, किस टाइम पर होनी है, ये शेड्यूल स्टूडेंट्स के एलएमएस पोर्टल के अंदर आ जाती है, ठीक है। अभी हम मैट्रिक एफ ए बी ए स्टूडेंट्स का इसका कोई ताल्लुक नहीं, नहीं है। उन्होंने असाइनमेंट जमा करा दी, उन्होंने सिर्फ पेपर देना है, ना उनका एलएमएस है ना उनकी वर्कशॉप्स हैं, ठीक है। तो जो बी एस बी एड पी जी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए वर्कशॉप्स होंगी और वर्कशॉप्स भी तकरीबन इसी स्टडी पीरियड के दौरान ही शुरू हो जाती हैं। जो ही उनका स्टडी पीरियड, अब हम इस आने वाले सेमेस्टर के लिए आटम बाइस के लिए अपने वर्कशॉप शेड्यूल कर रहे हैं और होपफुली ये इंशाल्लाह दिसंबर के आखिरी 31 को या यकम जनवरी को ये शुरू हो रही हैं।
तो इनका जो शेड्यूल है, स्टूडेंट जब अपने LMS अकाउंट खोलते हैं तो उनको वहाँ पे दो तीन चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। एक उनका असाइनमेंट का लिंक नज़र आ रहा होता है जहाँ पे उसने असाइनमेंट 1 और 2 अपलोड करनी है, ठीक है। दूसरा उनको वर्कशॉप्स का शेड्यूल नज़र आ रहा होता है, हर कोर्स का वर्कशॉप का एक शेड्यूल होता है, ठीक है। तो ये तो बड़ी आसानी होगी, बहुत आसानी हो जाती है कि हर कोर्स की 6 दिन की वर्कशॉप होती है, 1 घंटा डेली। मतलब अगर आपका एक ग्रुप बन गया, ग्रुप्स हम बना देते हैं स्टूडेंट्स के, 100-150 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बन गए, और अगर आपका ग्रुप एक ऐसा है जिसका एक ग्रुप नंबर दे दिया जाता है G786, उस ग्रुप की जो वर्कशॉप है, पहली वर्कशॉप, पहला दिन जो है इस किसी एक कोर्स का, वो मंडे को शुरू हो रहा है 6 बजे, ठीक। वो टाइम भी दिया हुआ है, डेट भी दी हुई है, ठीक है। तो वही फिर अगले दिन ट्यूसडे को 6 बजे, फिर वेडनेसडे को, पूरे मुसलसल 6 दिन ये वर्कशॉप होगी। और उन्होंने करना क्या होगा, करना अटेंड करने का बड़ा आसान तरीका है, उसका प्रोसीजर भी वहाँ LMS में हमने दे दिया हुआ है कि ऑनलाइन वर्कशॉप को आपने कैसे अटेंड करना है। वेरी सिंपल है कि आप उस मुकर्रर वक्त और टाइम पे, डेट के ऊपर जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ आगे एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा, वो हमारे मोबाइल्स में आपने इंस्टॉल करना है या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें लॉगिन करके उस टाइम पे जब ये वर्कशॉप शुरू हो रही होगी, उधर से टीचर्स आ जाएंगे, इधर से स्टूडेंट आ जाएंगे, उस ग्रुप में बैठ के टीचर्स अपना लेक्चर देना शुरू कर देंगे और स्टूडेंट्स उसको सुनना शुरू कर देंगे। और स्टूडेंट के लिए माइक ओपन नहीं होता, अलबत्त उनके लिए एक चैट का वहाँ पे सिस्टम मौजूद होता है कि वो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन होते हैं टीचर से पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे वो टाइप कर देते हैं, टीचर उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं उनके चैट को, कोई क्वेश्चन आता है तो वो वहाँ अपने लेक्चर के दौरान उनके क्वेश्चन को जवाब दे रहे होते हैं। और स्क्रीन पे टेक्स्ट भी चल रहा होता है, स्क्रीन पे टेक्स्ट भी चल रहा होता है, जो और दूसरे सवाल पूछ रहे हैं आपके साथी तो वो भी वहाँ पे नजर आ रहा है। और लेकिन आप हमतन गोश आपने सुनना है उसको, इसमें सुस्ती नहीं करनी, यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स ये मिल रही हैं। एक और बात भी है, जैसे भी आपने कहा वर्कशॉप के लिए जो वो तमाम स्टूडेंट जो वो वर्कशॉप लें भी अटेंड भी करें, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो वो नहीं लेते और बाज का ये मसाइल होते हैं उनके साथ, तो अभी जैसे आपने कहा कि वर्कशॉप लेना जरूरी है, तो ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि वो तो एक आपने पहले ही बात मेंशन की कि ये एक एडिशनल चीज है जो कि यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, जी जी। तो स्टूडेंट बाज का कहते हैं कि हम मसरूफ हैं, हम वर्कशॉप नहीं ले सकते, तो क्या एडिशनल से मुराद फालतू नहीं है? फालतू नहीं है, एडिशनल से मुराद कंपलसरी है कि इनको एक एक्स्ट्रा लर्निंग की एक फैसिलिटी दी जा रही है कि ये अपनी किताबें भी इन्होंने पढ़ी, असाइनमेंट भी पढ़ ली, खुद भी कुछ सीख लिया, क्योंकि हायर लेवल की क्लासेस हैं, इनको आप बकायदा लेक्चर्स की भी जरूरत है कि आप उस लेवल के जो आपने सब्जेक्ट के मुतालिक जो भी आपका सब वो कंटेंट है वो आपको लेक्चर के जरिए भी सुना दिया जाए, बता दिया जाए, ठीक है, तो आप ताकि मजीद बेहतर हो जाए आपकी जो लर्निंग है। तो इसके आखिर में आता हूँ कि इसकी वेटेज क्या है, वेटेज कि बकायदा इसकी असाइनमेंट्स की भी वेटेज है और आपके जो वर्कशॉप है इसकी भी वेटेज है, ठीक है। अच्छा, इस वर्कशॉप के दौरान जब 6 दिन की वो लेक्चर आपने सुन रहे होंगे, इसी के दौरान उनको एक क्विज भी दिया जा रहा है, ठीक है, जो वो लेक्चर सुन रहे हैं कि आप उसको समझ भी रहे हैं कि नहीं, तो उसके दरमियान एक क्विज दे दिया जाता है कि जी ये क्विज आ गया, आप इसको हल करके फौरन सबमिट करें, ठीक है, तो उसके भी मार्क्स हैं, ठीक है। तो लिहाजा अटेंटिव होके उसको लेक्चर्स को भी सुने और फिर उस क्विज को भी अपना सॉल्व करें और उसको सबमिट करें, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा था अगर 6 कोर्स हैं तो उनकी हर कोर्स की 6-6 दिन वर्कशॉप हुआ करेगी, हो सकता है एक कोर्स की सुबह हो, दूसरे कोर्स की शाम हो, या फिर वो उसको वीकली हो जाएं कि पहले वीक में एक कोर्स ख़त्म हुआ फिर दूसरे वीक में दूसरा कोर्स फिर तीसरा कोर्स, इस तरीके से शेड्यूल हो जाती हैं। तो जो भी शेड्यूल है उनका LMS में उसको देखते रहें, LMS में उनका आ जाएगा सारा शेड्यूल। अगर कोई भी कोई क्वेश्चन आता है आपका LMS के मुतालिक फिर आप हेल्प डेस्क पर आके पूछ लें उसको। तो इस तरीके से आपने वो वर्कशॉप का कंपोनेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसकी बाकायदा वेटेज है, उसके मार्क्स हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में शामिल होते हैं, और खासकर वेटेज से ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट है आपका लर्निंग, ठीक है, कि हमारे बड़े अच्छे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन हमने रजिस्टर किए हैं, वो वहाँ बैठ के लेक्चर्स दे रहे होते हैं, तो वो जब आप उनके साथ लेक्चर सुनते हैं और फिर इंटरेक्ट के जरिए अपने सवाल भी पूछ रहे होते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, उस कोर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और फिर एग्जाम तक जब आपने असाइनमेंट्स भी हल की, किताबें भी पढ़ी, लेक्चर्स भी सुने, एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाती है, और फिर जो ही आपका स्टडी पीरियड कंप्लीट होता है तो आपने असाइनमेंट्स भी जमा करा दी, ठीक है, वर्कशॉप्स भी अटेंड कर ली, उसके अंदर क्विज भी सबमिट कर दिए, तो फिर स्टडी अब एग्जाम का पीरियड शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो फिर आप उसी स्टेप पे आ गए जहाँ पे मैट्रिक FBA वाले भी पहुँच गए, वो बगैर वर्कशॉप के यहाँ पहुँचे, और ये जो BS PhD और MS के जो प्रोग्राम हैं इसमें इन्होंने अपने
वर्कशॉप भी सॉरी असाइनमेंट्स भी एलएमएस में अपलोड की और उसके साथ अपनी वर्कशॉप्स और क्विज भी किए और फिर फाइनल स्टेप है एग्जाम्स. ठीक है. और एग्जाम का शेड्यूल हमारे उसमें दिया हुआ है कैलेंडर में भी और उसके मुताबिक. अब यहाँ पे जो जिन्होंने एलएमएस में अपने असाइनमेंट्स जमा करवाई, अपने वर्कशॉप्स अटेंड की, ये सिर्फ इनका यहाँ पे एलएमएस में इतना ही काम था. ठीक है. अब उसकी रोल नंबर स्लिप्स उन्होंने एग्जाम के लिए नहीं है, फिर उनको सीएमएस में जाना पड़ेगा. ठीक है. तो इनको सीएमएस में एलएमएस में हर वक्त स्विच करना पड़ेगा. और इसलिए आपको फिर सीएमएस और एलएमएस के मुताबिक बहुत ज्यादा कुछ पता होना चाहिए. जी हाँ, दोनों को अलहदा के सीएमएस में क्या फैसिलिटी है, एलएमएस में क्या. तो एलएमएस के नाम से ही जाहिर है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है. इसमें आपने सिर्फ लर्निंग करनी है, वर्कशॉप अटेंड करनी है, आपने असाइनमेंट्स अपलोड करनी है, बाकी जो कैंपस मैनेजमेंट की हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं. आपके कोर्स की रजिस्ट्रेशन आपने अगली वहीं करनी है, आपके रोल नंबर स्लिप वहाँ पे आनी है. तो रोल नंबर स्लिप जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक एफ से लेकर तमाम सारे के सारे अपने रोल नंबर स्लिप्स अपने सीएमएस पोर्टल में से डाउनलोड करेंगे. हम भेजेंगे, बाय डाक भी भेजेंगे. कई बार स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, लेकिन फिर ये आपका एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि जी मुझे रोल नंबर स्लिप नहीं मिली तो मैंने पेपर नहीं दिया. जी बिल्कुल. आपको कैलेंडर मौजूद है, कैलेंडर में आपके पास एग्जाम का शेड्यूल मौजूद है कि फलां डेट से एग्जाम शुरू होने हैं, लिहाजा आप उस एग्जाम के मुताबिक अपना सीएमएस खोलें, वहां से अपनी रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करें और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स किस डेट को है और मैं कौन सा सेंटर है. बिल्कुल ठीक. उसके मुताबिक आपने जाके पेपर देने हैं और इस तरीके से ये जो सेमेस्टर की एक्टिविटीज हैं उनकी कंप्लीट होती हैं एग्जाम्स के साथ. और फिर अब आखिर में हम ताम भी थोड़ा सा रह गया हुआ है कि इनके वेटेज क्या है. मैट्रिक एफ ए बी ए एसोसिएट डिग्री, इनके लिए सिर्फ दो कंपोनेंट थे, असाइनमेंट्स थी और एग्जाम्स था. ठीक है. असाइनमेंट्स की वेटेज 30% है और एग्जाम की वेटेज 70% है. अच्छा, तो मतलब और, जी हाँ, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पास करना बहुत ज़रूरी है. खुदा ना खास्ता अगर आप असाइनमेंट जमा कराई हुई हैं लेकिन पेपर में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको कोर्स दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा, लिहाजा इसका ख्याल रखें. अब जो दूसरा दूसरे प्रोग्राम्स हैं बीएड, बीएस और पीजी, इसमें इनके तीन चीज़ें थी, असाइनमेंट्स थी, वर्कशॉप्स थी, फिर एग्जाम्स थे. जी. इनकी अलग अलग वेटेज है. एग्जाम्स प्लस सॉरी इनकी असाइनमेंट्स प्लस वर्कशॉप्स इनके 50% वेटेज है और इनके जो एग्जाम्स हैं इनकी 50% वेटेज है. ठीक है. तो इस तरीके से ये हर कंपोनेंट में अलहदा अलहदा, मैं सॉरी यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है जो पीजी और बीएड और बीएस प्रोग्राम्स हैं इसमें भी शायद एग्जाम की वेटेज 70% ही है. ठीक है, ठीक है. लेकिन जो उनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि वो 50-50 होती है कि जिसमें 20 मार्क्स जो हैं उनके वर्कशॉप के होते हैं, 30 मार्क्स असाइनमेंट्स के होते हैं और 50 मार्क्स एग्जाम के होते हैं.